92.7 Big FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। अगर कोई चीज आपकी जिंदगी में अहमियत रखती है तो उसे हासिल करने के लिए आप रास्ता ढूंढ ही लेंगे, वरना बहाना तो हम सबको मिल ही जाता है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं रिचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान की बिग अदालत। और दिल्ली मेरी जान में आज एक बार फिर से लगेगी बिग अदालत, जिसमें सवाल होंगे आपके और जवाब होंगे पूर्वी दिल्ली के सांसद महेश गिरी जी के। कल से लगातार हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आए हैं, बहुत सारी समस्याएं लोगों ने उठाई हैं इस इलाके की। अब देखना यह है कि आज महेश गिरी जी के पास उन सारे सवालों के क्या जवाब हैं, सारी समस्याओं के क्या समाधान है। ऋचा जी नमस्कार, मैं महेश गिरी, सांसद पूर्वी दिल्ली, जनता के प्रश्नों को जानने के लिए और उसका उत्तर देने के लिए आज 92.7 बिग एफएम के इस बिग अदालत में आपके सामने उपस्थित हूं और आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अरे वाह महेश जी, कटघरे में खड़े होने के बाद कोई इतना खुश या सवालों के जवाब देने के लिए इतना तैयार मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली मेरी जान की बिग अदालत में। तो चलिए महेश गिरी जी के लिए आपके पास जो सवाल हो हमें कॉल लगाइए। 3992797 हमारा नंबर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान की बिग अदालत। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध, 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। सच मेरे यार है, वो वोट भी बेकार है जिसके बदले में वो वादे पूरे ना हो जो नेता ने हमसे चुनाव के दौरान किए थे। लेकिन दिल्ली मेरी जान की बिग अदालत में हम ऐसा होने नहीं देंगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान की बिग अदालत। और दिल्ली मेरी जान में आज पेशी हो रही है पूर्वी दिल्ली के सांसद महेश गिरी जी की। महेश जी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका 92.7 बिग एफएम पर। सबसे पहले आपको सुनवाती हूँ एक सवाल जो कुछ दिन पहले आया था और सुनिए मेरी क्या बातचीत हुई थी दीपक से। गुड मॉर्निंग, मैं दीपक सहगल बोल रहा हूँ, लाल पोटर कृष्णा नगर से। जी मेरा ये कहना है महेश गिरी जी से कि हमारे यहाँ झील चौक पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम रहता है और पार्कों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इस सिलसिले में महेश जी से ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कम से कम जो है वो झील चौक पे किसी ट्रैफिक पुलिस का इंतजाम किया जाए। सारे इलीगल जो है रिक्शा वगैरह सब, बैटरी रिक्शा सब चलते हैं जी, और वहाँ दुनिया भर का कंजेशन रहता है, वहाँ जाम ही रहता है जी। ये बताएं आपके सांसद आपसे मिलने आते हैं कभी जनता से? मैं उनसे कभी नहीं मिला। महेश जी क्या जवाब है आपका दीपक के सवाल के लिए? दीपक जी आपका प्रश्न पूछने के लिए बहुत धन्यवाद। और वैसे मैं आपको बता दूं कृष्णा नगर सबसे अधिक मैं यात्रा कर चुका हूं और मेरे चौपाल भी वहां पर कृष्णा नगर में लगे हुए हैं और शायद आप नहीं मिल पाए, ये एक दुर्भाग्य की बात है। पर आपकी जो समस्या है उससे मैं बहुत नजदीक से सुन रहा हूं और मैं आपको पूरा वादा करता हूं कि आप जल्दी वहां पर एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर आपको नजर आएगा और आपकी जागरूकता के लिए धन्यवाद दूंगा। और ऐसी भविष्य में कोई भी समस्या है तो मेरे ऑफिस का संपर्क करें ताकि हम अच्छी व्यवस्था दे पाएं। जी महेश जी कहाँ संपर्क करें, थोड़ा वो डिटेल्स भी दे दीजिए सबको। जरूर, मेरा तो आप वेबसाइट पे भी जाएंगे www.maheshgiri.com, उस पे पूरी डिटेल है। और एक हमारा कॉल सेंटर है जिसमें 9289837837 इस नंबर पर कॉल करके भी समस्या लिख सकते हैं। contact@maheshgiri.com इस पर भी समस्या लिख करके भेज सकते हैं। ट्विटर हैंडलर पे भी समस्या लेकर के भेज सकते हैं, व्यक्तिगत आके भी कर सकते हैं। मैं मंगलवार को और शनिवार को अपने ऑफिस में पब्लिक के लिए बैठा रहता हूँ जो पब्लिक डे है, और बुधवार को मैं हर वार्ड में जाता हूँ। चलिए तो अगर आप भी पूर्वी दिल्ली के सांसद महेश गिरी जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, उन्हें अपनी कोई परेशानी बताना चाहते हैं, कोई शिकायत है आपको इनसे, तो कॉल कर बताइए। 3992797 मेरा नंबर है। मैं रिचा अनिरुद्ध हूँ, आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान की बिग अदालत 92.7 बिग एफएम पर। एक रास्ता है जिंदगी और बहुत जरूरी है कि इस रास्ते को बेहतर बनाने के लिए हम सब लोग मिलकर कोशिश करें, क्योंकि हम सब हम सफर भी तो हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप, मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध दिल्ली मेरी जान की बिग अदालत में। 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान की बिग अदालत। और बिग अदालत में आज पेशी हो रही है पूर्वी दिल्ली के सांसद महेश गिरी जी की, जिनसे सवाल पूछ रही है उनकी क्षेत्र की जनता और महेश गिरी जी दे रहे हैं उन सवालों के जवाब। आइए सुनते हैं अगला सवाल। हाय, मेरा नाम मनीष है और हमारे जो सांसद हैं यहाँ पर जो एमपी महेश गिरी जी, मेरा सवाल उनसे ये है कि सांसद बनने के बाद जो कहते हैं कि आपका जो एक
इलाके का जो दौरा होना चाहिए था कि क्या आप अपने हर इलाके के अंदर गए और उन लोगों से जाके आपने समस्याएं पूछी। जो आपका इलाका है उस पूरे इलाके के अंदर आज पानी की सबसे बड़ी किल्लत है, जिसके लिए मैं अपने खुद अपने ब्लॉक में जा जाके लोगों के घरों में जा जाके उन समस्याओं को एप्लीकेशन पर लिख लिख के उन जो आपके विभाग हैं जिन जो रिलेटेड उन विभाग है उनको मैं दे रहा हूँ। तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता है कि उन इलाकों में जाके उन लोगों से समस्याएं पूछी जाए, उनको पूरा बनाया जाए? महेश जी, बार बार आपके क्षेत्र के लोग ये क्यों कह रहे हैं कि आप मिलते नहीं हैं, अब क्या जवाब देंगे आप मनीष को? मनीष जी, सबसे पहले तो मैं आपके प्रश्न उठाने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। और शायद आपको पता होगा या मुझे नहीं पता, कैसे पता नहीं है, मैं हर बुधवार को एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक वार्ड में जाता हूं और वहां पर मैं गिरी चौपाल लगाता हूं। ये पहला ऐसा प्रयास है पूरे भारतवर्ष में जिसको सराहाया गया, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्वयं उपस्थित होता है और लगभग 100 से ज्यादा अलग अलग विभागों के अधिकारी बैठे होते हैं और उनको निर्देश होता है कि जो भी यहां पर लोग आएंगे समस्या लेकर, उनकी समस्या का निराकरण वहीं के वहीं हो और इसका रेशियो सक्सेस जो है वो 90% से भी ज्यादा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आपके एरिया में जब भी ये लगे आप आइए और जल्द से जल्द आप सबसे पहले मेरे ऑफिस में इसकी कंप्लेंट लिखवा दीजिए ताकि हम जल्दी से इसके ऊपर काम कर पाए। मेरे से संपर्क करने के लिए कई माध्यम है, आप ऑफिस आके कर सकते हैं, फोन करके कर सकते हैं, आप मेल करके कर सकते हैं, पत्र लिखकर कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं। और मेरा ऑफिस पूरी तरह से सुसज्जित है किसी भी तरह की समस्या को निराकरण करने के लिए। और पानी की समस्या आपको शायद पता ही होगा कि पूरी के पूरी दिल्ली सरकार के ऊपर आधारित है और मैं वहां भी आपके इस प्रश्न को रखने का पूरा प्रयास करूंगा और जल्दी आपके समस्या का निराकरण होगा, ये मेरा वादा है। चलिए मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल लगाकर सवाल पूछने के लिए। और एक बात जरूर कहूं आपसे, आपका अधिकार है, महेश जी ने जो वादा आपसे किया है आप ध्यान रखिएगा कि वो वादा पूरा होता है या नहीं। अगर आप लोग भी पूर्वी दिल्ली के अपने सांसद महेश गिरी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई शिकायत करना चाहते हैं, तो मुझे कॉल लगाइए, क्योंकि यहां चल रही है 92.7 बिग एफएम की बिग अदालत। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और मेरा नंबर है 3992729। जीना भी यही है, मरना भी यही है, लेकिन हम सब चाहते हैं कि हम अपने शहर दिल्ली में खुशी खुशी जिए, ना कि शिकायतें करते हुए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान की बिग अदालत। 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान की बिग अदालत। और बिग अदालत में आज हमारे साथ जुड़े हैं पूर्वी दिल्ली के सांसद महेश गिरी, जिनसे उनके क्षेत्र की जनता फोन लगाकर शिकायतें कर रही है। हमारे साथ फोन लाइन पर अब है प्रिया। प्रिया, पूछिए अपना सवाल। मैं प्रिया चौहान बात कर रही हूँ शहादरा से, और मैं हमारे एमपी जी जो महेश गिरी जी हैं उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो शहादरा में एक सफाई की जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि कूड़ा घर जो खुला कूड़ा छोड़ देते हैं, उनको उस चीज पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मॉर्निंग वॉक के लिए जो लोग जाते हैं या जो योगासन करना पसंद करते हैं पार्क में या खुले में, या फिर जो वर्कआउट के लिए लोग जाते हैं, रनिंग करते हैं, उनको उस चीज से बड़ी प्रॉब्लम होती है। स्मेल की वजह से वो ठीक से अपना वर्कआउट, रनिंग और योगासन करने में सक्षम नहीं होते। तो मैं चाहूंगी कि वो इस चीज पे खासा ध्यान दे और जो कूड़ा घर है उसकी सफाई पे या उसे बंद करवा के जो स्मेल की एक दिक्कत से लोग गुजर रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। प्रिया जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और बिग एफएम 92.7 को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। एक इतनी सुंदर पहल इन्होंने शुरू की है, जनता के साथ इतना अच्छा संवाद हो। और रही कूड़े की बात, स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम पूरी प्रक्रिया में है कि हम इस देश की और दिल्ली की तस्वीर दुनिया को एक स्वच्छ दिल्ली की तरह दे, और उसके लिए एमसीडी के साथ भी सतत वार्तालाप हो रही है। कुछ न कुछ राजनीतिकरण हो जाता है जिसकी वजह से सफाई कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाती, फिर वो काम पर नहीं लौटते, ऐसी बहुत समस्या और संघर्ष के साथ रहते हुए हम लोग लगे हुए। कल ही मेरी स्टैंडिंग कमेटी अर्बन डेवलपमेंट की मीटिंग हुई और उसमें जोर शोर से इस मुद्दे को मैंने उठाया। मैं आपको सुनिश्चित करना चाहूंगा आने वाले दिनों में आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने मिलेगा। चलिए महेश जी, एक और कॉलर हमारे मेहरोत्रा जी लाइन पर हैं। मैं आरएस मेहरोत्रा ईस्टर्न अपार्टमेंट बोल रहा हूँ। महेश गिरी जी से मेरा निवेदन है कि ये नाला जो चला रहा है ईस्टर्न अपार्टमेंट के बाहर और काफी दूर तक गया हुआ है, इस नाले को कवर करने का कोई इंतजाम करें,
इसके कारण गैस निकलती है जो स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। मिस्टर आर एस मेहरोत्रा जी, इतना कहना चाहूंगा कि मेरी चौपाल आपके स्टेट एंड अपार्टमेंट के बाजू में ही लगी थी, और रही बात नाले की, तो उस नाले के बारे में बताना चाहूंगा। नाले को कवर करना पहले बहुत आसान था, पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर निकलने के बाद आप किसी भी नाले को ढक नहीं सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, और यदि इसमें कोई सफलता मिलती है तो हम उसका पूरा प्रयास करेंगे। उम्मीद है मेहरोत्रा जी आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा। सेटिस्फाई आप कितना हुए नहीं हुए ये मैं नहीं कह सकती। प्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। और अगर आप लोग भी पूर्वी दिल्ली के सांसद महेश गिरी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मेरा नंबर वही है 3992729272। दिल्ली मेरी जान सुन रहे हैं आप, मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध, और यहाँ लगी हुई है बिग अदालत 92.7 बिग एफएम पर। बहुत सारी कस्में लेते हैं भाई हमारे नेता जब चुनाव प्रचार के दौरान वो हमारे घरों में आते हैं, हमारे मोहल्लों में आते हैं, और हमारी समस्याओं को सुलझाने का वादा करते हैं, लेकिन जीतने के बाद क्या होता है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान की बिग अदालत, और मैं हूँ आपके साथ हर रोज की तरह ऋचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान की बिग अदालत, और बिग अदालत में आज हम यही सवाल कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली के सांसद महेश गिरी जी से कि आपने अपने क्षेत्र की जनता से जो वादे किए थे वो आपने पूरे किए या नहीं किए। महेश जी, आपके क्षेत्र की जनता ने तो आपसे काफी सवाल कर लिए, अब एक सवाल मेरा भी है जो मैं हर सांसद से पूछ रही हूँ। साल में 5 करोड़ रुपए आपको अपने फंड से खर्च करने के लिए मिलते हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, ईस्ट दिल्ली के लिए आपने क्या किया एक साल में? एक सबसे पहला कदम, ईस्ट पूर्वी दिल्ली को जो पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, पहली 2 स्मार्ट सिटीज हमने पूर्वी दिल्ली के अंदर लाई। एक तो कड़कड़डूमा के अंदर पूरा टीओडी प्लान आ रहा है, और दूसरा एक लेक सिटी आ रही है संजय झील के पास। ये आने से एक बहुत बड़ा हब यहाँ होगा, लोगों के आने जाने की वजह से, बिजनेस सेंटर बनने की वजह से जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बदल जाएगा, नंबर वन। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, एक कनेक्टिविटी, जैसे आश्रम से लेकर के सीधा मैं वहां पर रोड एलिवेटर डाल रहा हूं तो ट्रैफिक का फायदा उसको मिल जाएगा। और दूसरा, 12 पुला को सराय कालेखा से हम इसको एक्सटेंड करवा के मयूर विहार ला रहे हैं, और INA से इसको एयरपोर्ट तक पहुंचा रहे हैं। तो ये होने के बाद यहां पूर्वी दिल्ली से एम्स जाने में 10-12 मिनट लगेंगे, और एयरपोर्ट जाने के लिए 20-25 मिनट लगेंगे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि यहां पर बिजली की बहुत समस्या होती थी, तो बिजली के लिए हमने 2-3 पावर सबस्टेशन पीयूष गोयल जी के हाथ से यहाँ पर शिलान्यास करवाया, और वो शुरू होने के कगार पर हैं। यूनिवर्सिटी कभी भी पूर्वी दिल्ली के अंदर नहीं थी, यहाँ के युवाओं को बाहर पढ़ने जाना पड़ता था, और मैं आपसे गौरव के साथ कहना चाहूंगा पहला एजेंडा यूनिवर्सिटी लाने का था, और 4 महीने के अंदर हमने वो यूनिवर्सिटी लाई। उसके काम अभी शुरू होने वाले, टेंडर निकलने वाले, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी यहाँ पर वो आ रही है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पहला ऐसा रेलवे स्टेशन भारत का बन रहा है जो कि इंटरनेशनल लेवल का रेलवे स्टेशन बनेगा। तो ऐसे कई बड़े बड़े कदम जो एक केंद्र सरकार को उठाने चाहिए वो हम सब उठा रहे हैं, और दिल्ली सरकार को भी आग्रह कर रहे हैं कि ज्यादा बातें करने के बजाय धरातल पर आकर साथ मिलकर दिल्ली को एक अच्छी दिल्ली बनाए, एक जो जनता के सपनों में दिल्ली है वैसी हम दिल्ली बनाए। बिल्कुल, सपनों की दिल्ली हम भी बनाना चाहते हैं अपने शहर को, और इसीलिए हर सुबह 8 बजे मैं लेकर आती हूँ ये शो दिल्ली मेरी जान, जहाँ पर हम दिल्ली के दिल से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महेश गिरी जी बिग अदालत में मेरे साथ जुड़ने के लिए, और 92.7 बिग एफएम के हमारे लिसनर्स और आपके क्षेत्र के लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए। ऋचा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बिग एफएम का एक बहुत अच्छा ये पहल है, और मैं कहना चाहूंगा आज इतने सुंदर माध्यम है जनता से जुड़ने के बाद, उसके बावजूद भी हम जुड़ नहीं पाते, और रेडियो एक ऐसा पुराना चला आ रहा माध्यम है, मुझे लगता है हर दिल के साथ रेडियो जुड़ा होता है, चाहे युवा वर्ग हो, महिला हो, वृद्ध हो, हर कोई रेडियो सुनते हैं। तो एक बहुत अच्छी पहल बिग एफएम 92.7 की तरफ से की गई, और मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे लगता है जनता और नेता इसके बीच में यदि कोई रास्ता बनेगा, सेतु बनेगा, तो यही बन सकता है। बिल्कुल, यही रास्ता हम बनाएंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया महेश गिरी जी, और इसी के साथ आज दिल्ली मेरी जान में मुझे यानी ऋचा अनिरुद्ध को इजाजत दीजिए। कुछ ही देर में आपके साथ जुड़ेंगे सिद्धार्थ, और आपको सुनाएंगे कपूर खानदान की कहानी। कौन सा कपूर खानदान, इसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, और मेरी मुलाकात अब आपसे होगी कल सुबह 8 बजे, और मैं आपको सुनाऊंगी एक और बिग हीरो की कहानी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।